हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसे रोटी बनाएंगे। मिस्सी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक कप बेसन, आधा कप गेहूं का आटा, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच घिसा हुआ अदरक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच कसूरी मेथी, कुछ कटा हुआ हरा धनिया और एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। और सभी को मिला लेंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। यह अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। डो बन चुका है। अब हल्का सा घी लेंगे और डो को घी से कोट कर लेंगे। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब डो को देख लेते हैं। हाथों को हल्के से घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे डो हाथों पर चिपके ना। अब इसको एक और बार गूंथ लेंगे। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। लोई बन गई है, अब पेड़े बना लेंगे। पेड़े भी बन चुके हैं। अब एक तवा लेंगे और उसे गरम करेंगे। ध्यान रहे हमें तवा लोहे का ही लेना है, नॉनस्टिक तवा नहीं लेना। अब हम रोटियां भी लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा बेसन लेंगे और उसे फैला लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको बेसन से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। ज्यादा पतला नहीं, थोड़ा मोटा ही बेलना है। अब रोटी पर कुछ कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। कलौंजी ऑप्शनल है।
अब इसको दोबारा से बेल लेंगे। देखिए हमें इसे इतना ही मोटा बेलना है। रोटी के पीछे थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे रोटी तवे पर चिपक जाए और बिल्कुल भी गिरे ना। अब रोटी को तवे पर रख देंगे, थोड़ी देर इसे सिकने देंगे। देखिए हल्की सिक गई है। अब तवे को उल्टा पलट देंगे। देखिए रोटी बिल्कुल भी गिरी नहीं। अब रोटी को देखते हुए घुमाते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए चारों तरफ से अच्छे से सेक चुकी है। अब गैस धीमी कर देंगे और चिमटे की मदद से रोटी को निकाल लेंगे। देखिए एकदम रेस्टोरेंट जैसी रोटी बनी है। मिस्सी रोटी बन गई है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी रोटी भी बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से रोटी को नहीं सेक पाते तो आप नॉर्मली गैस पर भी रोटियां सेक सकते हैं। मिस्सी रोटी बनकर तैयार है। अब इस पर मक्खन लगाएंगे। आप इसे मक्खन लगाकर गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप इसे दाल या पनीर की सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।